नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? सुप्रीम कोर्ट की एक बार पुनः वैकेंसी बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी के सामने आ गई है, और इस बार वैकेंसी है जेसीए के साथ साथ अन्य पोस्ट के साथ साथ, जिसमें पर्सनल असिस्टेंट वगैरह सब कुछ होते हैं। आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट अपनी ट्रांसपेरेंसी के लिए जाना जाता है, सबसे कम समय में परीक्षा करवाने के लिए जाना जाता है, और सबसे कम समय में नौकरी आपको देने के लिए जाना जाता है। जेसीए यानी कि जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, नाम जूनियर लगता है लेकिन ग्रुप बी की जॉब है, बहुत बेहतरीन सैलरी है और बहुत ही मजेदार, बहुत ही रेपुटेटेड जॉब है, और इसमें कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेने का सपना सारे बच्चों का रहता है। और इस सपने को साकार करने के लिए टीम परीक्षा प्लस आपके साथ हमेशा साथ ही साथ है, और इस बार भी नंबर एक बनके दोबारा दिखाएगी। जो हमने नंबर एक इससे पहले सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन दिए हैं, इस बार भी आपके सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने का जो वादा है उस पे कायम रहेंगे। चलिए हम लोग बताते हैं कि सबसे बड़ी बात ये कि जो आपके दिमाग में आ रहा है कि आखिर अब जब सुप्रीम कोर्ट की कैलेंडर आ गया, जब वैकेंसी सामने आ गई है, तो हमें कितना समय मिलेगा और क्या सटीक रणनीति होनी चाहिए, क्या सटीक तरीका होना चाहिए तैयारी करने के लिए। तो ये सेशन आप सभी के लिए, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि सब कुछ आपको ए टू जेड सुप्रीम कोर्ट की तैयारी यहाँ पे परीक्षा प्लस बहुत बेहतर तरीके से करवाती है। और सारे संभाग, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसीज में इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, ये सारी ही चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन ऐसा भी है कि कुछ पार्ट नहीं भी पूछे जाते, तो बहुत सारे बच्चों के लिए आराम भी होता है। अब आते हैं बताते हैं कि कैसे करें तैयारी। सबसे बड़ा प्रश्न आपका यही है, हम अभी बात कर रहे हैं जेसीए के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी लेके आए हैं, जो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट है पिछला कट ऑफ क्या था, कुल पद क्या आ सकते हैं और कितना समय मिलेगा, इन सारी बातों पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। आते हैं सबसे पहले मॉडल कैलेंडर की बात करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक मॉडल कैलेंडर नहीं देखा है, सुप्रीम कोर्ट ने जेसीए के साथ साथ अन्य वैकेंसीज की बात किया जाए तो अन्य वैकेंसीज का भी इन्होंने मॉडल कैलेंडर जारी कर दिया, बट अभी मैं फोकस हो रहा हूँ जेसीए पे। और ये सेकंड वीक ऑफ दिसंबर क्या हो जाएगा, ये आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसका पेपर जो होगा ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव होगा, और ये आपका जनवरी में सेकंड संडे यानी कि आपके दूसरे सप्ताह में पेपर भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा चरण होता है टाइपिंग। तो पहला चरण आपका क्या हो गया, पहला चरण आपका जो बोल सकते हो सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। दूसरा चरण आपका क्या होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है, जिसमें 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगता है। तीसरा जो चरण होता है, जब आपका टाइपिंग का आ जाता है, टाइपिंग आपकी एग्जाम के डेट के दिन नहीं होती इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, तो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, डिस्क्रिप्टिव में एसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग होता है, और ये जब हो जाता है तो आपका इंटरव्यू। तो चार चरणों में पेपर होता है, जो आपका मई के लास्ट वीक तक पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, मेरिट लिस्ट आ जाएगा। पिछली बार इन्होंने 12 महीने लगा दिए थे, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट प्रयास कर रहा है कि हर साल कैलेंडर जारी कर दिया जाए और हर साल वैकेंसी लाया जाए। तो अब ये जो अभी दो दो साल पे लेके आते थे, अब ये प्रयास कर रहे हैं कि हर साल वैकेंसी लाया जाए, और यही कारण है कि अभी आपका नोटिफिकेशन दिसंबर में आएगा और मई तक एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड की तरह आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेपर संपन्न करा के आपको नौकरी थमा दी जाएगी। लो भैया ज्वाइनिंग लेटर, जिसमें लेवल है जिसका, बोल सकते हो कि वो हैसियत है जॉब लेने की, आप लो जॉब और क्या करो, आप सीधा ज्वाइनिंग लेटर लेके आप ज्वाइन कर लो और बेहतर सैलरी उठाओ। तो आप में से कौन इस नौकरी के लिए सबसे ज्यादा आतुर, एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको बताता हूं कि इसमें हम लोग किस प्रकार से सिलेक्शन लेने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं और किस प्रकार से हम लोग सिलेक्शन लेंगे। या अन्य जैसे आपका कोर्ट मास्टर हो गया, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट हो गया, पर्सनल असिस्टेंट, इसका भी आपका दिसंबर में आ जाएगा, और कुछ सिंगल सिंगल पोस्ट के होते हैं वो आपके कब आएंगे, फरवरी में आएंगे। तो इसके लिए अभी बहुत ज्यादा चिंता मत होइए। ये पिछली बार के नोटिफिकेशन का थोड़ा सा स्निप है, और इसमें पिछली बार 210 वैकेंसीज आई थी, लेकिन इस बार वैकेंसीज आपकी क्या हो सकती हैं, इस बार वैकेंसीज आपकी 300 प्लस हो सकती हैं। किसकी, मैं केवल जूनियर कोर्ट असिस्टेंट जेसीए की बात कर रहा हूँ। इसमें अगर बात किया जाए तो ये ग्रुप बी की जॉब है, नॉन गेस्टेड है, लेकिन लेवल 6 की जॉब है, और इसकी पे मैट्रिक्स 7 पे कमीशन पे अगर देखा जाए तो सब मिला के 63,000 के आसपास पहुंच जाता है। इसके बाद आपके बहुत सारे अलाउंसेस लगते हैं। अब आते हैं बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, टाइपिंग में क्या मांगता है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले आपको क्या है, सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम की बात किया जाए, मतलब कि आपका जो सीबीटी है, जो आपका क्या होता है, जो आपका 25 25 और ये बोल सकते हो 50 और उसके बाद 25, से तीन संभाग होते हैं। 50 आपका इंग्लिश होता है, इंग्लिश में आपका 10 क्वेश्चन क्या होता है, कंप्रेहेंशन होता है, बाकी जो 40 क्वेश्चन होते हैं वो आपका ग्रामर और वोकैब होता है। अगर 25 क्वेश्चन की बात किया जाए तो 25 क्वेश्चन मैथ्स होता है, ये एप्टीट्यूड लिखते हैं, तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों सम्मिलित कर लिया जाए। और इस 25 क्वेश्चन की बात करें तो ये 25 क्वेश्चन आपके किसके होते हैं, ये आपके जीएस या ऐसे जीके बोला जाए, जिसमें स्टैटिक और करंट का पार्ट क्या होता है, स्टैटिक और करंट का पार्ट ज्यादा होता है, और ये 25 क्वेश्चन आपका अलग से होता है, ये आपका कंप्यूटर का अलग से होता है, तो ये कंप्यूटर हम लोग को तैयार करना होगा।
मतलब ओवरऑल आपको 125 क्वेश्चन तैयार करना है, जिसमें आपका क्या होता है, 1/4 नेगेटिव होता है, 1/4 नेगेटिव होता है। ये चरण आप पास करके जाओगे तो आप टाइपिंग में जाओगे। टाइपिंग में आपको क्या होता है, 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से केवल आपको इंग्लिश की टाइपिंग करनी होती है, जो आसानी से बच्चा कर लेता है। और इसके बाद आपका क्या होता है, इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, और डिस्क्रिप्टिव भी आपका क्वालिफाइंग होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, मिनिमम नंबर लाना जरूरी होता है। तो आते हैं हम लोग बात करते हैं कि आखिर इन चरणों को हम तैयारी इनकी कैसे करें और किस प्रकार से सिलेक्शन लें। तो अभी मैं बोलूंगा, अभी आप टाइपिंग के लिए बहुत परेशान मत हो। हालांकि टाइपिंग की डेट इन्होंने आप देखो तो टाइपिंग की डेट कब दी है, टाइपिंग की डेट अगर आप देखोगे तो टाइपिंग आपका कब होगा, मार्च में होगा, सॉरी कंडक्टिंग ऑफ टाइपिंग आपका फरवरी में होगा। तो आज से देखा जाए मतलब कि आपके पास नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, 3 महीना इधर है, और फरवरी में जितना समय मिल जाए और आपका अक्टूबर में जितना समय मिल जाए, ये आपके टाइपिंग के हैं। तो मान के चलो टाइपिंग के लिए आपके पास कितने हैं, 40 डेज है, क्योंकि केवल इंग्लिश की टाइपिंग है। अगर आप फास्ट टाइपिंग करने बैठ जाओगे तो 25 वर्ड पर मिनट बैठ आ जाएगा, और अगर आपको 35 तक ले जाना है मतलब कि 1 महीने में आराम से स्पीड गेन की जा सकती है। तो टाइपिंग के लिए बहुत परेशान मत होइए, धीरे धीरे वार्म अप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। इसके लिए हम यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मेन है कि सबसे पहले जहां पे आपका मार्क्स जुड़ता है स्टेज वन को कैसे क्लियर किया जाए। तो अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे नौकरी लेनी है, या इधर हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी चल रहा है, तो यूपी वाले बच्चे, तो आपको सबसे ज्यादा मजबूत करना होगा इंग्लिश। और सुप्रीम कोर्ट में सबसे बढ़िया क्या होता है, कंप्यूटर का पार्ट आता है। जो स्टूडेंट इन दो पोर्शन का जिसका स्ट्रांग होता है या स्ट्रांग कर लेता है, उसका क्या होता है, सिलेक्शन मानो कि निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि आपका जीएस जीके में कुछ निश्चित नहीं होता क्या पूछ लिया जाए, और मैथ्स और रीजनिंग में लगभग सारे बच्चों का नंबर बराबर होता है। रीजनिंग और मैथ्स 50-50 होता है, तो रीजनिंग सबसे हो जाती है, और मैथ्स में केवल 12-13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मैथ्स केवल अरिथमेटिक पूछा जाता है, तो सबसे ड्यूरेबल हो जाता है। इसका मतलब अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको इंग्लिश और कंप्यूटर पे सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। अब रही बात कैसे करें तैयारी में, आपके पास दो मोड है, एक आप क्या कर लो, एक आप सेल्फ स्टडी कर लो। अगर सेल्फ स्टडी आप वही बच्चे करो, मैं छात्रों को कहूंगा जो ऑलरेडी पहले किसी एग्जाम की तैयारी कर लो, या आप इसी से संबंधित जैसे कोई आपका कोर्स है, या आपका कोई ऐसे एग्जाम की तैयारी कर लो जहां पे इंग्लिश भी पूछी जा रही है, मैथ भी पूछी जा रही है, रीजनिंग भी पूछी जा रही है, जीएसजी भी पूछा जा रहा है, तो आप फिर अलग से कुछ भी परचेज करने की या आपको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप अपनी सेल्फ स्टडी करते रहो, इसके पैटर्न को थोड़ा थोड़ा टेस्ट देते रहो, वो आपका बेटर तरीका रहेगा। लेकिन अगर आप क्या हो, दूसरा, अगर ये यही कहें, ये एक्सपीरियंस बच्चे होते हैं, ये मतलब कि ओल्ड स्टूडेंट जो होते हैं, ठीक है, मैं ओल्ड स्टूडेंट की बात करूंगा, इनकी तैयारी का तरीका सेल्फ स्टडी होगा। जो दूसरे बच्चे होते हैं जिनकी मैं बात करूं कि जो फ्रेशर होते हैं, मतलब कि जो नए बच्चे होते हैं, तो मैं फ्रेशर की बात करूं या फिर मैं न्यू स्टूडेंट की बात करूं, तो न्यू स्टूडेंट को आपके लिए फिर इतने कम समय में, क्योंकि आप देखोगे आपको सीबीटी पेपर भी देना है, आपको टाइपिंग भी देना है, आपको डिस्क्रिप्टिव भी तैयार करना है, और एक एक महीने में आपका पेपर हो जाता है। आज से अगर तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो निश्चित रूप से आपको 4-5 महीने विधिवत चाहिए तैयारी करने के लिए। तो ऐसे में सबसे पहले आप रिसोर्सेज कलेक्ट करोगे, आप किताबें कलेक्ट करोगे, आप किसी से पूछोगे, उसमें आपका समय व्यतीत होगा। तो मैं ये बोलूंगा कि आप ज्यादा बेटर है कि आप लोग क्या करो, आप लोग ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन कोर्स, जहां भी आपको ज्यादा बेटर लगे आप वहां से जुड़ जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप परीक्षा प्लस से जुड़ो, जहां भी आपको अच्छा लगे वहां पर आप जुड़ जाइए। लेकिन आप अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो बेटर है कि आप कहीं किसी के मार्गदर्शन में जो रेपुटेटेड हो, जो आपके जिसपे आप ट्रस्ट करते हो, आप उनसे जुड़ जाओ और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ। अब रही बात सेल्फ स्टडी में, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि सेल्फ स्टडी के लिए कुछ ही किताबें हैं, वो किताबों की लिस्ट में अलग से वीडियो में बना दूंगा, और केवल किताबों के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। फ्रेशर वाले बच्चे हैं कि किस ऑनलाइन कोर्स है और किस तरीके से ऑनलाइन कोर्स को हम आगे बढ़ाएं, तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान दीजिएगा भाई, जो न्यू स्टूडेंट है या फिर जो इसकी तैयारी बेहतर तरीके से करना चाह रहे हैं, वो आपके इसमें 100 क्वेश्चन जो होगा, 100 क्वेश्चन में 50 तो आपका इंग्लिश का होगा और 25 मैथ रीजनिंग और 25 का जीएस होगा। इसके अतिरिक्त 25 क्वेश्चन आपका क्या होगा, कंप्यूटर का होगा। और मैंने बोला कि अगर सिलेक्शन लेना है तो कंप्यूटर और आपको इंग्लिश सबसे ज्यादा मजबूत करना है। अब अगर कंप्यूटर और इंग्लिश मजबूत करना है तो मैं आपको सजेशन दो दूंगा, सबसे बेहतर अगर इंग्लिश कोई तैयार करवा सकता है, आप पिछला भी रिकॉर्ड देख लो परीक्षा प्लस का, तो सर्वेश सर बहुत बेहतर तैयारी करवाए। और कंप्यूटर की बात किया जाए तो आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी ऑनलाइन संस्थान को किसी में भी सर्च करोगे तो मेरे ख्याल से आपको आशीष सर जो परीक्षा प्लस में आपको इतना बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं, वो आपको कोई इनके टक्कर का नहीं मिलेगा। और अगर आप केवल इन दो सर पे रिलाई करोगे तो मैं आपसे वादा करता हूं
कि ये जो दो सर हैं आपके परीक्षा प्लस के, ये मिलके आपके चाहे इंग्लिश की बात हो चाहे फिर आप कंप्यूटर की बात हो, ये 50 और 25 में अगर आप बढ़िया अगर मेहनत करते हो तो 75 में 75 ला सकते हो, या फिर अगर मैं एवरेज की बात करूं, अतिशयोक्ति की बात ना करूं, तो 70 प्लस आपके 75 में कोई भी ऐसा नहीं है कि रोक सकते हैं। अब रही बात आपके पास दो पोर्शन, एक आपके पास क्या है, एक आपके पास एप्टीट्यूड जिसमें मैथ्स प्लस रीजनिंग है, और एक आपके पास क्या है, एक आपके पास जो दूसरा मॉड्यूल बचता है वो जीएसजीके। अब जीएसजीके में आप अपना इतने कम समय में टाइम बर्बाद मत करिए, जीएसजीके के लिए आप केवल क्या पढ़िए, आप केवल स्टैटिक पढ़िए, और स्टैटिक के साथ आप थोड़ा बहुत करंट पढ़िए। क्यों? क्योंकि आपके इस 25 में से 12-13 पोर्शन मोर देन 50% आपका यही कवर करेगा। ये आप देखिए पिछले 2 साल का ट्रेंड एनालिसिस मैं आपको दिखा दे रहा हूं, और इसे देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि कम समय में आप सारी चीज समझ पाओ। ये 2016 और 2022 के आधार पे मैंने दोनों पेपर लेके आया हूं जेसीए का, और आप टॉपिक वाइज डिवीजन देखो, इंग्लिश में 50 क्वेश्चन में आपका क्या होता है, आपका पैसेज 10 क्वेश्चन तो पैसेज होता है, उसके बाद 5 क्वेश्चन इडियम फ्रेज हो गया, 5 क्वेश्चन पीक्यूआरएस हो गया, 5 क्वेश्चन फिलर हो गया, 5 क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सेंटेंस फ्रेमिंग या वॉइस या नरेशन से हो गया, 5 क्वेश्चन आपका एरर होता है, 5 एंटोनिम्स, 5 सिनोनिम्स, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इंग्लिश में भी अगर आप क्या करते हो, वोकैब पोर्शन जैसे एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऐसे आपका क्या हो गया, ऐसे आपका इडियम फ्रेजेस हो गया, और फिलर भी इसी से संबंधित होते हैं। तो 5, 5, 10, उसके बाद 5, 15, 5, 20, 5, 25, यहां से आप क्या कर सकते हो, बाकी 40 में से 25 क्वेश्चन आप यहां तैयार कर सकते हो, और अगर वोकैब पोर्शन आपका स्ट्रांग होगा तो 10 क्वेश्चन आपका जो कंप्रेहेंशन है ये भी आप बोनस लेके चलो, यानी कि 35 आप आराम से 40 में से क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। कहने का मतलब ये कि जो आपका ग्रामर का पोर्शन है, ग्रामर का पोर्शन ज्यादा से ज्यादा आपका नरेशन और वॉइस वो भी डुएबल होता है या एरर, और इससे ज्यादा ग्रामर आपका नहीं पूछा जाता। तो इंग्लिश में ग्रामर में बहुत परेशान नहीं होना, ज्यादा से ज्यादा वोकैब करना है, तो वोकैब की क्लासेस सुबह वाली जो आपको सर्विस कराते हैं वो आपको करते रहना है। सुबह 9 बजे आपको वोकैब स्पेशल करवा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए, तो आपको वो कवर करना है, और आपकी जो क्लासेस में वो आपको वोकैब और नोट्स दे रहे हैं आप उनको कवर करते चलो। इसके अलावा आपको वोकैब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब रही बात अगर हम लोग किसकी बात करें जीएसजीके में, तो आप जीएसजीके में देखोगे चाहे वर्ष 2016 की बात कर लिया जाए, चाहे वर्ष 2022 की बात कर लिया जाए, 11 और 12 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं, बाकी सब्जेक्ट से 2-2, 3-3, 1-1 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और दूसरी बात 2 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी यहां पे पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप कंप्यूटर यहां पे तैयार करते हो, कहां पे भैया, कंप्यूटर अगर आप यहाँ पे नीचे तैयार करते हो, या मैं दूसरे पेज पे दिखा दूं, तो अगर यहाँ पे कंप्यूटर आप 25 क्वेश्चन के लिए तैयार करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका वो 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब इस 25 क्वेश्चन में से जिसमें ऑफिस पार्ट सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इस 25 में से 2 उधर भी तैयार कर लोगे। तो 12-13 आपका स्टैटिक जीके से हो गया, 2-15 हो गया, अब 25 में से 15 क्वेश्चन जीके से ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है कम समय में। बाकी आपको कोर्स में तो सब कुछ कवर कराया जाएगा, बट मैं आपको कैसे तैयारी बेटर तरीके से कर सकता हूं उसके बारे में बता रहा हूं। और फिर अगर आप बात करो किसमें, कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में आप 100% उठाने का प्रयास करो। अब रही बात मैथ्स और जीके जीएस की, तो जितना आपको मैथ्स और जीएस जीके पढ़ा दिया जा रहा है केवल आप उतने पे, जैसे स्टडी जीके में बोलूं तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आपको परीक्षा प्लस ऐप पे एक बेहतर तरीके से, जो आपका ये पेज अभी फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए, फर्स्ट 100 के लिए मात्र आपका किसमें दिया है 499 में, उसके बाद आपकी जो फीस हो जाएगी वो फीस क्या हो जाएगी 999 हो जाएगी, जिसमें से ऑलरेडी मेरे ख्याल से 10-12 स्टूडेंट केवल बचे होंगे, उसके बाद ये फीस महंगी हो जाएगी। तो कम समय में बेहतर तैयारी के लिए टीम परीक्षा प्लस हमेशा जानी जाती है, और मैं फिर से आपको वादा करता हूँ, पिछला रिकॉर्ड उठा लोगे चाहे हाई कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, चाहे इस कैटेगरी के किसी जॉब में, जो सबसे सर्वाधिक या सबसे बेहतर सिलेक्शन देने वाली या सबसे बेहतर तैयारी कराने वाली टीम है वो टीम परीक्षा प्लस ही है। तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और परीक्षा प्लस ऐप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर पे जाके परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी परीक्षा प्लस ऐप के लिंक है, यहां से कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट lab.parikshaplus.org पे जाके आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट जीसी का ये कोर्स मिलेगा। जब आप ब्लू कोर्स में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कंटेंट आपके सारे टेस्ट हैं, जो लाइव एंड अपकमिंग होते हैं, जो रिकॉर्डेड सेशन होते हैं, ये सब कुछ आपका मिलेगा। और इसकी क्लास हम लोग कल से ही चालू कर रहे हैं, मतलब मंडे से ही चालू कर रहे हैं, और इसका पूरा टाइम टेबल आपको दे दिया जाएगा। ऐसे बच्चे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के साथ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बोलूंगा कि उनको अलग अलग बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप किसी एक बैच में ही जुड़े रहो और आपकी तैयारी आप बेहतर तरीके से हो जाएगी। अंतर केवल क्या आएगा, अंतर केवल कोर्स की वैलिडिटी का आएगा, तो लास्ट टाइम में हम लोग उसे देख लेंगे, उसे परेशान मत होइए। अभी आप केवल और केवल अगर आप किसी से भी हो तो आप दोनों में से एक ही बैच परचेज करिए और दोनों में तैयारी लगभग हम सिमिलर तरीके से कराएंगे। थोड़ा बहुत आपका क्या होता है
सुप्रीम कोर्ट में हिंदी नहीं होती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिंदी होती है, तो इसलिए हिंदी यहाँ पे आपका कवर नहीं होगा, बाकी इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, और मैथ्स में यहाँ केवल अर्थमेटिक होता है, एडवांस नहीं होता। तो मैथ्स अगर हाई कोर्ट से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे आसान है, रीजनिंग वहां से आसान है, इंग्लिश भी वहां से आसान है, बस जीएसजी का देखा जाए तो जीएसजी के में स्टैटिक पोर्शन यहाँ पे ज्यादा पूछा जाता है, तो स्लाइटली सा डिफरेंस है। तैयारी आपको दोनों साथ में कर सकते हैं, परीक्षा प्लस ऐप से कर सकते हैं, बेहतर तरीके से आपकी तैयारी होगी, इस बात का मैं आपको वादा कर रहा हूँ। लेकिन आपको शुरू से ही फोकस रहना है कि सबसे ज्यादा फोकस आपको इंग्लिश और कंप्यूटर में करना है। तो इंग्लिश में आपको सर्वेश सर बिल्कुल आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप एक बार खुद डेमो ले सकते हो, परीक्षा प्लस ऐप पे डेमो ले सकते हो, आप परीक्षा प्लस से यूट्यूब चैनल पे ले सकते हो। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि कोई भी अच्छा बच्चा ऐसा नहीं होगा जो निराश होकर जाए सर्वेश सर के पास से और कंप्यूटर में आ सके। तो कोई तोड़ ही नहीं है, कोई आपका जो बेस्ट फैकल्टी हो सकता है वो मैंने आपको दिया है। तो एक बेहतर तरीके से आपको जुड़ना है, तैयारी करना है, वेट मत करिए, समय में बर्बाद करिए कि जब आप नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करोगे, एक महीने में पेपर हो जाएगा तब कुछ नहीं कर पाओगे। जो बच्चे अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दिए निश्चित रूप से वो औरों से बेहतर होते हैं, औरों से सीरियस होते हैं और सिलेक्शन के लिए वही दावेदार होते हैं। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। कोई आपका प्रश्न रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य डाल दीजिएगा। धन्यवाद सभी।